ये देखिए, लग रहा है ना एकदम परफेक्ट, बिल्कुल मार्केट जैसा वेजिटेबल सूप। इसमें है ढेर सारी सब्जियां और बहुत बहुत सारा स्वाद। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दियों का बहुत ही स्पेशल सुपर टेस्टी झटपट बनने वाला वेजिटेबल सूप। जिस तरीके से आज मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ, इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये सबको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसके नाम के अनुसार लेनी होगी बहुत सारी वेजीज। यहाँ पर मैंने ली है बारीक कटी हुई 2 बड़े चम्मच। मैंने फ्रेंच बीन्स ले ली है, जिसको मैंने इस तरह से बिल्कुल पतला पतला काट लिया है। आपके पास अगर चॉपर है तो आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने गाजर ली है, 2 बड़े चम्मच पत्ता गोभी लिया है, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, अच्छी तरह धो ले तब आप पत्ता गोभी को लें। 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च और 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर फूल गोभी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। और 2 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं बारीक कटे हुए टमाटर। और सर्दियों में तो सारी सब्जियां खूब हरी भरी आती हैं, तो अच्छे से डालकर बनाइए। तो मैंने कोशिश की है कि खूब सारी सब्जियों से ही बनाऊं। तो ये हो गई हमारी हेल्दी रंग बिरंगी सब्जियां। और ये मैंने लिए 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, और साथ ही मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने इस तरह से बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है। बढ़िया से डालिए अदरक, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। साथ ही मैंने लिए हैं 4-5 लहसुन की कलियां, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है अदरक लहसुन से। जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो फ्रिज में, आप सारी यूज कर सकते हैं इस सूप में। ये ही इस सूप की खास बात है। गैस पर रखते हैं एक कढ़ाई या पैन, और फ्लेम को यहाँ पर आप लो मीडियम कर दें। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर। मैं यहाँ बटर ले रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, या अपने मनपसंद घी या तेल भी लिया जा सकता है। पर इस सूप को आप बटर बना के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो बटर हो गया हमारा मेल्ट, तो फ्लेम को यहाँ लो कर दें। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ, साथ ही इसमें जाएगा अदरक, अच्छी तरीके से सौटे करेंगे। अब इस स्टेज पर इसका फ्लेवर एनहेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल मार्केट वालों की तरह से तेज पत्ता। आप जरूर डालिएगा, तेज पत्ते से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही अब यहाँ पर हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, अच्छी तरीके से हल्का सा भूनेंगे। बहुत ज्यादा सूप में हमें सब्जियों को नहीं भूनना है, हमें बस इतना करना है कि हल्की सॉफ्ट हो जाए, कच्चापन निकल जाए और क्रंच बना रहे, क्योंकि तभी सूप में वेजिटेबल्स बढ़िया लगती हैं। और लगातार चलाना जरूर है, वरना चीजें जल सकती हैं। तो इस तरह से बस हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट यानी ट्रांसलूसेंट सी हो गई है। इस स्टेज पर अब हम डालेंगे गाजर, पत्ता गोभी, बीन्स, बहुत बढ़िया लगती हैं सभी सब्जियां और बहुत ही हेल्दी होती हैं विंटर्स में इनको खाना। साथ ही शिमला मिर्च जाएगी अब इसमें, फूल गोभी, टमाटर को अभी हम थोड़ी देर बाद डालेंगे, क्योंकि इन चीजों को हल्का सा सॉफ्ट होने में टाइम लगता है। टमाटर बहुत जल्दी मैसी से हो जाते हैं, इसलिए हम टमाटर को थोड़ी देर बाद डालेंगे। लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर सब्जियों को भी हम कुछ मिनट इस तरह से भून लेंगे। इसमें आप ब्रोकली, मशरूम, ये सब चीजें भी डाल सकते हैं। तो जितनी क्वांटिटी मैंने ली है, इन सब सब्जियों की क्वांटिटी आप थोड़ी ज्यादा भी कर सकते हैं, कम बनाना चाहते हैं तो थोड़ी कम भी ली जा सकती है। अपने टेस्ट में ये इतना अच्छा होता है कि बच्चे भी पीने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। तो आप इस सर्दी इस सूप को जरूर बनाएं, वो भी इसी तरह से। हमारी सब्जियां सब हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं और इनका क्रंच बरकरार है, बस इतना ही हमें करना होगा। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ बचे हुए जो हमारे टमाटर थे बारीक कटे हुए, उन्हें डाल देंगे। साथ ही इसमें जाएगी 1 बड़ा चम्मच हरी मटर। ये मैंने फ्रोजन मटर ली है, अगर आपको ताजी मटर मिल जाती है तो जब हमने सब्जी डाली तभी आप डाल दें। फ्रोजन मटर हल्की पहले से ही सॉफ्ट होती है, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। साथ ही मेरे पास घर में स्वीट कॉर्न भी था, तो मैं 1 बड़ा चम्मच स्वीट कॉर्न भी डाल देती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद होता है। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियन, ग्रीन हरी प्याज का जो हरा वाला पोर्शन होता है वो मैंने बारीक कट कर लिया है, इससे फ्लेवर भी बढ़िया आएगा और स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब यहीं पर इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से कर देंगे मिक्स। इस स्टेज पर अब इसमें हम डालेंगे 4 कप के करीब पानी। पूरा 4 कप पानी मैंने डाल दिया है, आप अपने अनुसार जैसी कंसिस्टेंसी, आपको गाढ़ा पतला सूप चाहिए उस अनुसार पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा सूप लग रहा है। अब हम इस पर लगा देते हैं लगभग 3 मिनट के लिए लिड, और इसको लगभग
मीडियम हाई फ्लेम पर हम अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से बॉईल होने देंगे, जिससे सब सब्जियां सब चीजों का फ्लेवर पानी में आ जाए और एकदम डिलीशियस हमारा सूप तैयार हो। ये मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च, जिसे आप कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं। यहाँ पर आप अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसका एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। इससे बिल्कुल सूप में एक अलग सा, जो बाजार में आप गाढ़ापन देखते हैं शाइनी सा, वो गाढ़ापन आ जाता है। इसको डालना ऑप्शनल है, यदि आप इस तरीके का गाढ़ापन पसंद करते हैं तो आप इसे जरूर डालें। 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो चलिए लेट हटा के चेक करते हैं। सुपर्ब, ये देखिए इसका कलर, इसका टेक्सचर से ही आपको पता चल रहा होगा कि सब्जियों ने पानी अच्छे से अब्सॉर्ब करके वो फूली फूली सी हो गई है। और इस स्टेज पर जब इसमें उबाल आ रहा है तो हम डालेंगे ये कॉर्न स्टार्च वाली स्लरी। थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते जाएं। फ्लेम को यहाँ लो मीडियम रखें। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप 2 ही मिनट में देखेंगे कि सूप में एक अलग सा गाढ़ापन आ गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, लगातार चलाते हुए 2 मिनट में ही सूप हमारा बहुत ही बढ़िया अच्छा गाढ़ापन हो गया है। 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च लेकर के आप थोड़ा ज्यादा गाढ़ा कर सकते हैं, पर मुझे इस कंसिस्टेंसी का बहुत अच्छा लगता है। और परफेक्ट थिकनेस है, इससे ज्यादा हमें गाढ़ा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, एकदम बढ़िया। और इस स्टेज पर मैं फाइनल इसमें डाल रही हूँ, इसमें बढ़िया फ्लेवर लाने के लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, जो इसमें बहुत ही बढ़िया लगेगा, हल्का सा खट्टा इसमें स्वाद आएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियन ग्रीन और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए, हमारा सूप है बिल्कुल रेडी। तो गैस को ऑफ करते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व, मजा आ जाएगा इस सर्दी में ये जबरदस्त हेल्दी टेस्टी सूप पी के। लग रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट। खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट है और इतना टेस्टी और इतना हेल्दी है कि जब एक बार आप इसे पी लेंगे पूरे दिन की ये भूख मिटा देगा। तो थोड़ा सा मैं ऊपर से और डाल देती हूँ स्प्रिंग अनियन ग्रीन, थोड़ा सा गया हरा धनिया। लीजिए, तो बिल्कुल तैयार है हमारा गरम गरम वेजिटेबल सूप, जो बिल्कुल परफेक्ट है अपनी कंसिस्टेंसी और टेस्ट में भी। उम्मीद करती हूँ कि ये स्पेशल झटपट बनने वाला हेल्दी टेस्टी वेजिटेबल सूप आपको पसंद आया होगा। आप इसे जरूर बनाएं और मुझे जरूर बताएं अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में कि आपका वेजिटेबल सूप कैसा बना और ये आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे आप रेड वाला बटन देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बस उस पर आप क्लिक कर दें और पास ही बनी बेल बटन भी साथ ही क्लिक कर दें। जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएं।
देंगे। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।